लोकसभा में बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी चौतरफा घिर गए हैं और बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दानिश अली ने बिधूड़ी पर कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है और इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बीएसपी सांसद दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की। अब राहुल ने दानिश अली को गले लगाया, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर फोटो भी शेयर की। राहुल के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल भी नजर आए। वहीं सपा सांसद दानिश अली के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी। उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा भी दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने वो बात नहीं सुनी, लेकिन बिधूड़ी ने अगर ऐसा कुछ कहा है जिससे बसपा सांसद की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इस पर अपना खेद व्यक्त करता हूं। ये देखिए, अब आपको वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों को गंभीरता से लेते हुए कल उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वहीं बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में राष्ट्र की अन्य उपलब्धियां विषय पर चर्चा के दौरान बसपा के दानिश अली के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी, जिस पर सदन में हंगामा हो गया था और विपक्षी नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता को भविष्य में इस तरह का व्यवहार दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है और गुरुवार रात को सदन में बिधूड़ी द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जाने के तत्काल बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद प्रकट किया और अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनको कड़ी चेतावनी दी है कि उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी अगर आगे वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अब एक चिट्ठी लिख दी गई है दानिश अली की तरफ से कि एक एक्शन होना चाहिए जिस तरीके से सदन में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद हैं कुंवर दानिश अली और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो आपको अमर उजाला दिखा रहा है। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको हम देंगे। इस चिट्ठी में उन्होंने सांसद के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है और बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो सांसद ही छोड़ देंगे, इस पर विचार करेंगे, ये भी उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। बिधूड़ी के अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से हालांकि हटा दिया गया है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा दरअसल एक अथाह खाई है और इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर देखने को मिल जाता है और मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट इस मामले को लेकर भाजपा को निशाना बनाते हुए देखने को मिला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।